ठीक है वो चलो ये देखो, ये कहता है कि ये टू ब्लॉक्स है, एक ब्लॉक इधर जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, और एक ब्लॉक भाई अगर ये इधर जाएगा तो ये किधर जाएगा, ये ग्राउंड को छोड़ेगा नहीं, वो भी इधर ही आएगा, ठीक है। चलो अब इसका स्पीड दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड, ये स्ट्रिंग हॉरिजेंटल से 37 पर है, और यहाँ पर जो स्ट्रिंग है हॉरिजेंटल से 53 डिग्री पर है, ठीक है। तो डिटरमाइन द स्पीड वी टू द इंस्टेंट, पर्टिकुलर इंस्टेंट, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट मुझे इसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है, और ये एंगल उस इंस्टेंट पर इसकी स्पीड कितनी होगी वो हमें कैलकुलेट करना है। चलो तो इस ब्लॉक की स्पीड कितनी होगी और वो मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। ये ग्राउंड है, ठीक है, तो इस ग्राउंड से कितना स्पीड होगी, चलो ये जो स्पीड है वो इसकी स्पीड इधर जाएगी, ग्राउंड को छोड़ेगा नहीं बी टू, और हमें बी टू ही निकालना है, ठीक है। तो अब बी टू है, देखो अब स्ट्रिंग ये वाली है, ठीक है, और इधर स्ट्रिंग ये वाली है, तो इसमें दोनों स्पीड कोई भी स्पीड स्ट्रिंग के अलोंग नहीं है यार, आ रहा बात समझ में, स्ट्रिंग के अलोंग नहीं है। तो अगर स्ट्रिंग के अलोंग नहीं है तो मुझे दोनों को स्ट्रिंग के अलोंग करना पड़ेगा, एक को नहीं दोनों को करना पड़ेगा, ठीक है। चलो तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली जो वेलोसिटी है, ये वाली जो स्पीड है उसका एक कॉम्पोनेंट इधर आएगा स्ट्रिंग के अलोंग, जो होगा वी टू कॉस 53 डिग्री, ठीक है, और एक कंपोनेंट इसका ये, अब देखो इसका ये स्ट्रिंग अलोंग इधर है और ये स्पीड इधर है 5, तो ये हॉरिजेंटल से 37 है, तो ये भी तो 37 हो गया, तो ये आएगा 5 cos 37 डिग्री। इसका मतलब ये 5 cos 37 मस्ट बी इक्वल टू V2 cos 53। इसका मतलब ये हुआ कि V2 cos 53 मस्ट बी इक्वल टू 5 cos 37, और ये 37 वाला ट्राइंगल आपको याद होगा, फिर भी बहुत सारे बच्चों को नहीं याद होता है, तो वो मैं एक बार बना देता हूँ। ये एंगल 37 होता है राइट एंगल ट्राइंगल में, तो ये 3 होता है सामने वाला, ये 4 होता है, ये 5 होता है, और ये 53 डिग्री होता है। यहाँ से सारी वैल्यू मैं रख दूंगा, तो cos 53, तो बेसिकली जो है ये यहाँ से, तो ये वैल्यू रखना है और ये कैलकुलेट करना है। इसका मतलब ये होगा cos 53 इधर से ला के रखूँ तो ये आ जाएगा 3/5, और 5 ये आ जाएगा 4/5, तो 5 में 5 को, ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि V2 इज इक्वल टू 20/3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये 20/3 मीटर पर सेकेंड से जो दूसरा वाला इंड है ये इधर ये जो ब्लॉक था इधर वो ऊपर जा रहा होगा, ठीक है। चलो